अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खैरियत से हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बाय इमरान फारूक। अच्छा जनाब, अभी रात के ऑलमोस्ट 4 बजे कल हम दोस्तों ने रखी है अपनी बारबेक्यू पार्टी। फैमिलीज अभी तक हम लोगों ने इसमें मिला ही नहीं है, लेकिन फिर भी होगा तो कर लेंगे। तो मैंने कहा कि मैं बारबेक्यू के लिए जब ये सारा तैयारी कर रहा हूँ टिक्के की, तो आप लोगों को अपना जो इसमें टिक्के में मटेरियल डलवाते हैं और हम काम करते हैं ये दिखाऊँ। ये जो चीज़ें मेरे सामने आप देख रहे रखी हुई है ना, जब आप तिक्को में मिलाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका टेस्ट और इतना जूसी होगा कि आप भी याद करेंगे कि भाई इमरान ने क्या चीज़ बताई है। वैसे भी आप लोगों ने मेरी पिछली सारी मूवीज़ देखी होंगी, आप लोग को वीडियोज़ में मज़ा आया होगा खाना अगर पका के देखा हो तो। बहर शुरू करते हैं, बड़ा थोड़ा टाइम आपका लेता हूँ क्योंकि आप सर्दियाँ आ रही हैं और मेजॉरिटी लोग अपने घरों में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं कि हम लोग एक बारबेक्यू पार्टी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा, मैंने जो ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे काम किया है तो सिर्फ चिकन है, हमने इसमें बीफ का कोई लेना देना नहीं किया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हम लोग ऑलमोस्ट 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोगों में मैंने इसके अंदर 3 और 8 किलो चिकन लिए, एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि चिकन आपको पता है ऐसी भी खा ली जाती है। तो ये रही भाई चिकन, दिखाइए। इसमें मैंने ये इसके इस तरह के भी पीसेस कराए चिकन के, ठीक है। मैंने इसके जो है ये सीने का पीस भी रखवाया है और ये मैंने रखा है इसका लेग का पीस। हर आदमी अपने अपने तरीके का खाने का होता है शौकीन, तो उसके लिए वैसे वैसे चीज़ें की हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है दही, ये दही रखा है, इसमें दही डलेगा। इसमें ये शान के सारे मसाले, तंदूरी मसाला, चिकन टिक्का मसाला और बिहारी कबाब मसाला, और ये एक साइड में छुप गए मासूम, ये देखें आप, ये मेरे पास क्यूब्स हैं, ये मेरी हरी मिर्चों की मैंने क्यूब्स बना के रखी हुई हैं। एक जो है ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है। और ये जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये बना के पहले रख लिया था तो ये रखा हुआ था, ये हमारी जो वाइफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती है। उसके बाद आप ये देखिए, ये रहा, ये चिली सॉस है और सोया सॉस है, ये टेस्ट के लिए, इसको जूसी करने के लिए और टेस्ट के लिए, सही है। चलिए आइए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे मसाले डाल दें, सबसे पहले हम इसमें डाल लें चिकन टिक्का मसाला। अच्छा, ये जितनी इसकी क्वांटिटी है, ठीक है, इसके अंदर ये जंबो एक लिया था मैंने जिसमें डबल होता है। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले ये चिकन टिक्का मसाला इसमें डाल लें। वाह, कलर देखें आप, अगर हमारे जो कैमरा मैन साहिबा हैं वो आपको दिखाता है, ये चिकन टिक्का मसाला। अच्छा, हमेशा जो हम लोग ये खाते हैं बारबेक्यू आइटम की, जब तक स्पाइसी और चटपटा ना हो इस पर मज़ा नहीं आता। व्हाट डू यू थिंक, आप लोग का क्या कहना है? और भाई चटपटा ही खाने का मज़ा आता है। ये मैंने डाल दिया आपके सामने 2 जंबो चिकन टिक्का के। सेकंड मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास है सीख कबाब मसाला, बिहारी कबाब मसाला कह दिया मैं, ये देखें। और ये मुझे लग रहा है कि ये इंशाल्लाह बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का बम होने वाला है इंशाल्लाह। ओके, ये अब आ गया आपके सामने तंदूरी मसाला, ठीक है, तंदूरी चिकन मसाला। इसका कलर आप देखें थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक मैं इसके 2 पैकेट हैं, पहले एक पे ही हाथ रख लेता हूँ, फिर मैं इसको चेक कर लूँगा कैसा है, ज़्यादा मज़े। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम हो गया। अच्छा जी, अब सेकेंड हम इसमें अब डाल रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने लिया है आधा किलो दही, आधा किलो दही को लेके मैंने इसको फेंट लिया है। बिस्मिल्लाह, अब ये मैं इसमें डालना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैरिनेट जो करना होगा ना वो असल चीज़ है। ये देखिए, बहुत ही सलीके से और मैंने इसको ये डाल दिया, ये इसमें आ गया पूरा हमारा आधा किलो दही जो कि हमने फेंट लिया था। 1 बाय 1 चीज़ें हमें करके इसको डालना होगा। सॉरी, अब इतना तो होता है यार मर्दों के हाथ से। ओके, ठीक है, अब इसके अंदर मैं, ये देखिए भाई, ये टेस्ट के लिए है, ये रेड चिली सॉस है, पहले इसको शेक कर लेंगे, शेक करने के बाद हम इसको डालेंगे। अच्छा, ये एक ना नॉर्मल क्वांटिटी में डालना है, ये देखिए, तकरीबन 1.5-2 टेबल स्पून, ये हाँ तकरीबन आप देख रहे होंगे। और आप लोग इंशाल्लाह जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आप लोग कहेंगे वाह इमरान, क्या आपने चीज़ बनाई। अच्छा, ये देख लीजिए, अब हम इसमें डालें सोया सॉस, इसको भी थोड़ा सा शेक करके। ये हमारे जो दोस्त हैं ये सारे काम हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, एक इसको डाल दिया, एक इसको डाल दिया।
ये मेरे पास हरी मिर्चे और इसके अंदर देख दो चीज़ें और भी वो भी डाली हुई हैं, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के लिए। ये हो गया, ये ओवरऑल हो गया। अब इसको जो आपने मिक्सिंग है ना, बेसिक चीज़, अब इसको मिक्स करना है। अब आप मेरा तरीका देखिएगा मैं मिक्स कैसे कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए, और ये ख़वातीन मेरे ख्याल में बहुत कम इस तरह मिक्स कर सकती। चलिए भाई दिखाइए, ये देखें नीचे अभी ये पहुँचा नहीं है, हल्के हल्के पहुँचेगा। और आप यकीन कीजिए ऐसी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, आप सब लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा इसको देख के। ये देखिए ये हो गया, नीचे दही पहुँच चुका है, मसाले नीचे पहुँच चुके हैं। अच्छा अभी तो हमने इसको ऐसे करके मिक्स करना है, ये ऐसे मिक्स हो गया ठीक है। इसको यूं करें, इसको हम मिक्स करेंगे आराम आराम से, क्योंकि अच्छा देख चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि इसमें अक्सर हड्डियाँ निकली होती हैं, क्योंकि एक दो बार मेरे हाथ में ना बड़ी बुरी तरह हड्डी चुभी थी, रान की थी या किस चीज़ की थी, वो बड़ी बुरी तरह चुभी थी। तो मैं अभी थोड़ा सा एहतियात से कर रहा हूँ इसको। वैसे तो अगर ये बीफ होता तो मैं इसको वो कर लेता बड़े आराम से, क्या कह सकते हैं, मिक्स कर लेता, लेकिन अभी थोड़ी एहतियात खुद भी कर रहा हूँ जानबूझ के, अभी इसमें ये लगना है। बहरहाल आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है बारबेक्यू का, छत पे जाके या कहीं जाके बारबेक्यू का मज़ा ही अलग होता है फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अभी जो मेरी वाइफ इस वक्त कैमरामैन बनी हुई है, इनकी पूरी ख्वाहिश है कि कल वाली बारबेक्यू में ये लोग भी शामिल हों। तो होपफुली हम सुबह तक अपना प्लान हो सकता है चेंज कर लें, और कल की मेरा जो ये व्लॉग है इसमें आप कल देखें कि मेरे बच्चे और बेगम भी इंशाल्लाह इसमें शामिल हों, जो कि 95% चांस है, इसको कम में नहीं कर सकता। तो लेट्स सी, ये देखिए अभी इसको हम मिला रहे हैं। अच्छा ये हम जब इसको मिला लेंगे ना तो ये हम पूरी रात के लिए छोड़ेंगे इसको, और कल इंशाल्लाह इसको शाम में जब लेके जाना है तब हम इसको उठाएंगे। अब आप देखें ये जो तिक्के पे मसाला लगा है ना, ये उंगली से अंदर अंदर लगाना है, ये इसमें अंदर तक लगाएं इसको, इसको ऐसे करें ठीक है जनाब। अब मेरा ये ख्याल है कि अब इससे पहले कि आप लोग बोर हों और वीडियो देखना बंद करें, बाकी का व्लॉग अब हम कल बनाएंगे। ये अब मैं इसमें पूरी तरह मिला लूँ सही है, और इंशाल्लाह फिर आपसे बाकी मैं कल मिलता हूँ। ओके अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अभी इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बाकी मुझे सजेशन ज़रूर दिया करें मेरी चीज़ों के बारे में कि मुझे और क्या चीज़ें करनी चाहिए, या आप लोगों को कौन सी चीज़ पसंद है। तो और हाँ ये तो ज़रूर बताएं यार मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं या नहीं, या मैं लगा हुआ हूँ आप लोगों के लिए एंटरटेन करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों में, खाने में, आने में, जाने में। तो मुझे प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पर सही हूँ, कहाँ पर गलत हूँ। कोई मुझसे, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, चीज़ें गलत हो सकती हैं। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए, और बस बाकी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला सब के लिए खैर आफियत रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं, इस वीलॉग को दोबारा से मिलाएंगे ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़।